डीआईएलआर के लिए तुम 5-5 दिन की स्प्रिंट मार सकते हो। जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर ली है सुनते जाएगा। 5 डेज वैदिक मैच परसेंटेजेस एवरेजेस खत्म करो। सर क्या बात कर रहे हो, ये पढ़ के थोड़ी कैट क्लियर होगा। रुक जा भाई, एक बार बैठ के स्क्वेयर्स क्यूब्स के रट्टा मार। ये उनके लिए जिनका कुछ नहीं हो रहा है। रीसेट योर प्रिपरेशन। आई श्योर एंड गॉड टुडे आई स्पोक टू अ गाय एंड ही गॉट 99.4 odd percentile। सिंस आई एम स्वेयरिंग ऑन गॉड, लेट मी जस्ट से 99.xx बिकॉज मुझे पता नहीं 4-1 था कि 2-1 था, बट 99.xx 99 के ऊपर ही था। एंड दिस गाय इज नॉट स्कोरिंग गुड इन वर्बल एबिलिटी। सो आई टोल्ड हिम जस्ट डोंट थिंक दैट यू नो एनीथिंग। जिनका स्कोर नहीं आ रहा है, डोंट थिंक दैट यू ब्लडी नो एनीथिंग। 5 दिन का स्प्रिंट मार और वैदिक मैच परसेंटेजेस कर ले यार। नेक्स्ट वन, 5 डेज का स्प्रिंट मार, यहाँ पे ट्रेडिशनल डीआई कर ले। सर कैट में ट्रेडिशनल डीआई तो आता ही नहीं है यार, है ना। ट्रेडिशनल डीआई मतलब बार ग्राफ पाई चार्ट। 5 दिन लगा ले, 10 सेट पाई चार्ट के, 10 सेट तुम्हारे बार ग्राफ के, 10 सेट तुम्हारे टेबल के, 50 सेट बना तो फिर उसको छोड़ दे। नेक्स्ट वन, 5 डेज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ये पिछले 3 साल से कैट के अंदर ऑन एंड ऑफ हर सेट के अंदर आ रहा है, कर ले यार 5 दिन में। सर 5 दिन में गेम्स एंड टूर्नामेंट क्या होगा, 10 सेट और 50 सेट कर ले। आगे देखते हैं, 5 दिन के अंदर रूट्स एंड नेटवर्क, 5 दिन के अंदर स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम। दिस 5-5-5 इज 25 डेज। यू गैस कैन कंप्लीट दिस 25 डेज। इफ यू आर एबल टू सॉल्व 10 ब्लडी सेट्स एवरी डे, यू कैन एड वन मोर थिंग कॉल्ड एज अरेंजमेंट्स। 1 महीना 30 डेज के अंदर पूरा इसको रिवाइज कर, अगले 30 डेज के अंदर इसको पूरा दोबारा करना है। सेम चीज कहां से, जो भी आपके पास किताबें हैं, प्रेफरेबली ऑनलाइन मटेरियल। आई हैव टोल्ड पीपल हू गेटिंग द कैट किंग फैमिली मॉक्स और द फुल कोर्स, ये पुराने पेपर सारे सॉल्ट डैशबोर्ड पे पड़े हुए हैं। अब तो यूट्यूब पे पढ़ रहा है, यहां पढ़ रहा है, जहां से मर्जी पढ़ दो, एक्स कोचिंग का पढ़ रहा है, वाई कोचिंग, मैनू फर्क नहीं पैंदा। यू गाइज विल बी एबल टू क्रैक इट बिकॉज आई थिंक द रियल लिटमस टेस्ट इज व्हेन आई गो एंड मीट द स्टूडेंट्स इन द टॉप बिजनेस स्कूल। तो भाई ये तुम्हारा क्वांट का टेक अवे।